हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एटलेक्टेसिस के बारे में। आज हम देखेंगे एटलेक्टेसिस इसकी डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेस एंड सिम्टम्स मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं, उसका डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन देखेंगे, हम उसका मैनेजमेंट हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। इट इज़ अ कोलैप्स ऑफ लंग टिश्यू अफेक्टिंग पार्ट ऑफ ऑल ऑफ लंग। दिस कंडीशन प्रिवेंट नॉर्मल ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन टू हेल्दी टिश्यूज। हमारा मतलब होता है हमारा जो एल्वियोलाई होती है हमारा, इसमें कोलैप्स कर जाता है या ये साइज में डिक्रीज हो जाते हैं, इसके वजह से हमारा पूरा लंग कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा जो सबसे पहले पिक्चर इसमें नॉर्मल एल्वियोलाई का साइज़ हम देख सकते हैं बहुत लार्ज है, जो कोलैप्स्ड है वो डिक्रीज होता है और हमारे एल्वियोलाई को कोलैप्स होने की वजह से हमारा पूरा लंग कोलैप्स हो जाता है। जैसे कि हम लास्ट पिक्चर देख सकते हैं, इसमें दो लंग्स हैं हमारा, ये जो लंग है ये देख सकते हैं हम पूरा कितना साइज में इंक्रीज है, हमारा ये लंग कितना छोटा सा हो गया, कोलैप्स हो गया। ठीक है, हम आगे देखते हैं कॉजेस। एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन, क्योंकि हमारा जब म्यूकस सिक्रीशन होता है उससे कोलैप्स कर सकता है, स्मोकिंग की वजह से, प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया की वजह से, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से, एक्सेस BMI, हाइपरवेंटिलेशन की वजह से, एस्पिरेशन अनकॉन्शियस स्टेट में भी हो सकता है। हम आगे देखते हैं पैथोफिजियल। सबसे पहले ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर वे, ब्लॉकेज इन पैसेज ऑफ एयर डैट लीड्स टू लैक ऑफ एयर एक्सचेंज फ्रॉम एल्वियोलाई, रिमेनिंग एल्वियोलार एयर बिकम्स एब्जॉर्ब्ड इन टू द ब्लड स्ट्रीम, आउटसाइड एयर कैन नॉट रिप्लेस द एब्जॉर्ब्ड एयर बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज, आइसोलेटेड पोर्शन ऑफ लंग बिकम एयरलेस एंड एल्वियोलार कोलैप्स। सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन होगा किस एयर वे में, उसकी वजह से हमारा ब्लॉकेज की वजह से हमारा एयर एक्सचेंज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। हमारा एयर एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगा तो जो हमारी एल्वियोलार में एयर बची है वो हमारा एक्सचेंज की वजह से डिक्री ब्लड जो हमारी रिमेनिंग एल्वियोलर एयर बची है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके बाद हमारी जो आउटसाइड एयर है वो इनसाइड जा नहीं पाएगी, एल्वियोलाई में जा नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हमारे एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस में हमारा फीवर, टेकिकार्डिया, प्लूरल पेन, कफ, डिस्निया, टेकिपनिया, सेंट्रल साइनोसिस, स्पूटम प्रोडक्शन होगा, ये हमारे मैनिफेस्टेशंस हैं। डायग्नोस्टिक एंड हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट से पूछेंगे कोई भी प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री, कोई भी डिजीज कंडीशन, कोई जेनेटिक हिस्ट्री, कोई फैमिली में किसी कोई डिजीज कंडीशन हो, रेस्पिरेटरी या कोई भी और। एग्जामिनेशन, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का असेसमेंट करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, हम इसमें लंग का साइज चेक करेंगे, सिटी स्कैन में देखेंगे हमारे लंग का साइज कितना है, हम कोलैप्स एल्वियोलाई का कोलैप्स कल इस लेवल चेक करेंगे कितना कोलैप्स हो चुका है, हमारे स्कैन में भी यही देखेंगे, स्पायरोमेट्री करेंगे। ठीक है, अगला हमारा मेडिकल मैनेजमेंट होगा, इसमें हमारा चेस्ट परकशन होगा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हम देंगे ताकि उसका लंग की कैपेसिटी हम इंक्रीज कर सके, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देंगे हम पेशेंट को, सक्शनिंग करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन हम इसलिए करेंगे ताकि उसका जो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन ताकि उसका जो ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज हो बॉडी में वो इंक्रीज हो सके, सक्शनिंग इसलिए ताकि जो एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन या कोई और प्रोडक्ट हुआ है जो सिक्रीशंस का उनको हम रिमूव कर सके, वेंटिलेटर सपोर्ट देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, म्यूकोलाइटिक्स देंगे। ठीक है, आपने वीडियो में डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, थैंक यू।